अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं ट्यूलिप गार्डन को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आज हमारे साथ है रोहित भाई। तो आज हमारी जो राइड होगी पल्सर 150 पे, तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं। आज का मौसम भी अच्छा देखने को मिला और व्यू आप लोग तो देख ही सकते हो। ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ से शॉर्टकट लेंगे गांधरबल की ओर। तो यहाँ से गांधरबल की ओर शॉर्टकट रास्ता है ये, कि ये रास्ता जो है वो लार बाईपास से निकलता है। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम गांधरबल पहुँच चुके हैं। तो ये रही है हमारी कॉलेज की रोड। तो यहाँ पे कम या पार्क भी मौजूद है, क्योंकि तो खास लोग जा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से होती है गांधरबल की मेन मार्केट स्टार्ट। तो अभी हम यहाँ से राइट टर्न लेंगे गांधरबल की ओर, क्योंकि बहुत दरगाह की तरफ जो गांधरबल की मेन मार्केट है, तो यहाँ पर अक्सर ट्रैफिक जाम भी बहुत होता है। तो इसलिए हम यहाँ से लेट भी थोड़ा बहुत हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी हम जाएंगे पेट्रोल पंप तक और बाइक में पेट्रोल डाल के फिर देखेंगे। अरुणा, तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हो गया दागबुल का रोड स्टार्ट। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम दरगाह रोड पे पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे और यहाँ से शायद बंद भी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से खाली बाइक अलाउड है, खाली गाड़ियाँ अलाउड है। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम निशात बाग रोड पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे ट्रैफिक जाम भी बहुत हो चुका है। कम से कम एक दो मिनट तो हमें लगेंगे वहाँ ट्रैफिक को कवर करने में। तो ट्रैफिक भाई भी हमको बोले यहाँ से निकल लो। तो फ्रेंड्स, यहाँ से स्टार्ट होता है निशात बाग की मेन मार्केट। मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हो निशात बाग का मेन गेट। अभी हम यहीं से निकलेंगे ट्यूलिप गार्डन को। चलो निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम ट्यूलिप गार्डन पार्क पे पहुंच चुके हैं। तो हम लोगों ने बाइक यहाँ पे पार्क कर दी। तो अभी हम कुछ खाएंगे, क्योंकि अंदर खाने के लिए कुछ छोड़ते ही नहीं है। तो फिर हम अंदर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये है ट्यूलिप गार्डन का मेन मार्केट बाहर साइड से, मेन गेट के बाहर साइड से। तो यहाँ का बाजार कुछ ऐसा देखने को मिला। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेन गेट जहाँ से एंटर होते हैं। तो फाइनली गाइस, हम ट्यूलिप गार्डन पहुंच चुके हैं। यहाँ से होती है ट्यूलिप गार्डन की स्टार्टिंग। तो रोहित भाई बहुत खुश है, क्योंकि हम पहली बार आए कश्मीर में, होकर भी हम पहली बार यहाँ पे आए। यहाँ पर हमें कुछ ऐसा व्यू देखने को मिला। तो फ्रेंड्स, इसमें हम कुछ सिनेमैटिक शॉट उठाएंगे, वो भी इस व्लॉग में डालेंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ ऊपर आके हमको ऐसा व्यू देखने को मिला, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितने कहाँ तक लोग गए हैं, वहाँ तक पहुँचे। फ्रेंड्स ये रहा ट्यूलिप गार्डन का लेक। फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पे रील उठा रहे थे, तो यहाँ कुछ नज़ारा ऐसा देखने को मिला। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने सिनेमैटिक शॉट देख लिया होगा ट्यूलिप गार्डन का। तो अभी हम निकलते हैं घर की ओर, तो लेट भी बहुत हो चुका है और यहाँ पे अंधेरा भी थोड़ा बहुत चढ़ चुका है, तो अभी हम जाते हैं घर की ओर, निकलते हैं अभी। तो अभी हम ट्यूलिप गार्डन से निकल चुके हैं इधर रोहित भाई, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम अंधेरा भी छा चुका है, मतलब शाम का टाइम भी हो चुका है, लोग भी निकल रहे हैं, तो हम लोग भी निकल चुके हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स अभी हम पार्किंग एरिया पे पहुंच चुके हैं, तो वो रही हमारी बाइक, ये रही हमारी बाइक, अभी हम यहाँ से निकलेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं घर की ओर। हमारे समोसा चाय आ चुकी है। तो फाइनली गाइस हम दार पे ब्रेकफास्ट पर पहुंच चुके हैं, तो अभी यहाँ पर 6 मिनट लगेंगे हमें घर तक, तो अभी निकलेंगे यहाँ से। तो फाइनली गाइस हम घर पहुंच चुके हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।